नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप वर्तमान में किसी नौकरी में हैं और आप उससे बेहतर नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन आप समय का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे टाइम मैनेजमेंट करें। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी ऑलरेडी एक जॉब में था, उसके साथ मैंने तैयारी करी, एक सरकारी नौकरी निकाला, फिर मुझे लगा कि नहीं, इससे बेहतर और भी कर सकता हूँ, फिर मैंने उस नौकरी के साथ तैयारी की और फिर मैं आज यहाँ पे इस पद पर चयनित हुआ हूँ। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा इस तैयारी के दौरान, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वर्तमान में किसी नौकरी में हैं और उनको लगता है कि वो उससे ऊपर या उससे बेहतर नौकरी में जाना चाहते हैं, या सर किसी प्राइवेट जॉब में हैं या फिर किसी छोटे पद पे हैं और किसी बड़े पद पे वो जाना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी कैसे करें। देखिए, जीवन, मैं बार बार कहता हूँ, जो फिल्म आई थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो ये सही बात है, जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। या तो इसे आप एवरेज जिए, और मरना तो एक दिन सबको है, एवरेज ही मर जाएं, या फिर जो विश्व में 98% लोग एवरेज जी के ही मरते हैं, मात्र 2% लोग ऐसे होते हैं जो अपना नाम रोशन करके जाते हैं, जिन्हें सिर्फ उनके आसपास के ही नहीं देश विदेश के भी लोग जानते हैं। तो अगर आप उस एवरेज वाले बैरियर से बाहर निकलकर उस 2% वाले कैडर में आना चाहते हैं या फिर सेक्टर में आना चाहते हैं, तो एक ही चीज़ है जो वहाँ आने से आपको रोकती है, और वो है आपका कंफर्ट जोन। सिर्फ कंफर्ट जोन ही है जो आपको वहाँ जाने से रोकता है। शेर जो होता है वो दो तरीके से रहते हैं, शेर एक तो रहता है शेर जंगल में और एक रहता है सर्कस में। सर्कस वाला जो शेर होता है वो बहुत कंफर्टेबल होता है, क्योंकि जो उसका रिंग मास्टर होता है उसको समय पे खाना पीना देता रहता है, मीट जो भी वो पसंद करता है वो देता रहता है, और उसके पास छत भी रहता है सोने के लिए, ना बारिश में उसको भीगना है ना ठंड में उसको टिटूरना है। लेकिन क्या वो शेर का सही जगह है? नहीं, क्योंकि वहाँ एक रिंग मास्टर होता है जो कि उसको चाबुक से मारता है और बोलता है कि उठो तो उठता है, बैठो तो बैठता है, और जब वो शेर गरजता है तो लोग उस पर तालियां बजाते और हंसते हैं। और जो दूसरा शेर होता है वो जंगल में होता है, शायद वहाँ उसको समय पर खाना ना मिलता हो, कभी कभी उसको बारिश में भी भीगना पड़ता होगा, लेकिन वो वहाँ पर राजा होता है, और जब वो गरजता है तो वहाँ के लोग कांप जाते हैं। जंगल में जितने ही प्राणी होते हैं वो कांप जाते हैं, वहाँ ताली नहीं बजती। तो शेर का जो सही जगह है वो जंगल में है। तो वैसे ही अगर आपको लगता है कि आप जहाँ पे हैं वो आपकी सही जगह नहीं है, शायद वो सर्कस है। मैं किसी भी नौकरी को छोटा या बड़ा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये महसूस होता है कि जहाँ पे आप हैं वो वहाँ आप खुश नहीं हैं और आपको राजा बन के रहना है, तो आप अपने कम्फर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आइए, बस थोड़ा सा बाहर आइए, सफलता वहाँ मिलती है। मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 बार ये काम किया अपनी ज़िंदगी में। मैंने प्राइवेट नौकरी में रहते हुए तैयारी की और एक सरकारी नौकरी को मैंने सेलेक्ट हुआ एक सरकारी नौकरी में, फिर सरकारी नौकरी में रहते हुए मैंने तैयारी की और फिर दूसरी सरकारी नौकरी को निकाला। तो मैं यहाँ पे अपना वो नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत होशियार हूँ। मैं बहुत इंटेलिजेंट होशियार नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एकेडमिक्स आप देखिएगा तो बहुत ही ख़राब है, शायद उतने ख़राब नंबर किसी के नहीं होंगे। लेकिन जब मुझे बात समझ में आई कि कंफर्ट जोन ही एक ऐसा चीज़ है जो हमें रोकता है, अब मैं उसको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आपको समझाना चाहता हूँ, जो मैंने भी किया है, जो मैंने किया है अपने बस में, वही बातें आपको बता रहा हूँ। मैं कोई भी यहाँ हाइपोथेटिकल बात नहीं बताऊँगा कि आप आसमान छू सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जो मैंने किया वो बताता हूँ। देखिए, कोई भी नौकरी होगी आपकी, 8 घंटे की नौकरी होगी, 2 घंटा आना जाना 10 घंटा हो गया, 7 घंटा आप सोते हैं, 10 और 7 17 घंटे हो गए, आपके पास अभी भी बचे हैं 7 घंटे। 7 घंटे में 1 घंटा आप नहाना धोना और खाना के लिए रखिए, 6 घंटे बचे। और आपको किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए, चाहे IAS हो या स्टेट PCS हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, मात्र आपको 7 से 8 घंटा रोज़ पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और जो लोग बोलते हैं वो 16-17 घंटे पढ़ते हैं ना, वो अभी भी पढ़ ही रहे हैं। मेरे साथ भी लोग थे बहुत सारे बोलने वाले कि मैं 16-17 घंटे रोज़ पढ़ता हूँ, वो अभी 16-17 घंटे पढ़ ही रहे हैं। और मैं यहाँ सेलेक्ट होके ट्रेनिंग में
जितने लोगों से मिला हूँ वो सब 7 से 8 घंटे पढ़ने वाले ही हैं। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो 7 से 8 घंटे रोज़ पढ़ना मोर देन सफिशियंट है। वो 16-17 घंटे पढ़ना ये कहीं से फिजिबल नहीं है। और वो जो लोग पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ ही रहे हैं अभी भी, वो अभी भी वहीं पर हैं, और जो 7 से 8 घंटे पढ़ने वाले सेलेक्ट हो गए। तो आपके पास यहाँ से 6 घंटे बच रहे हैं, उस 6 घंटे को आपको बिल्कुल ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा इस वीडियो में, और शायद मैं इसका एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें और उसको डिटेल बताऊंगा। तो 6 घंटे तो आपको पढ़ना है, लेकिन अब बाकी लोग अगर 8 घंटे मान के पढ़ रहे हैं, मान के चलिए 8 घंटे, आप तो 6 घंटे पढ़ रहे हैं, मैंने हमेशा कहा अगर आप किसी से कम पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो अब 2 घंटे कैसे यूटिलाइज करेंगे? 2 घंटे यूटिलाइज करने का, इसको मैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज कहता हूँ, कि अगर आपके पास कुछ कमी है लेकिन वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो गया। मेरे लिए यही फ़ायदेमंद हुआ। मैं क्या करता था, रात में जो 6 घंटे मैंने पढ़ाई करी, जो भी पेपर सॉल्व किया या फिर जो थ्योरिकल पोर्शन पढ़ा, अगले दिन ऑफिस में मैं क्या करता था कि उसको रिकॉल करता था कि मैंने जो रात में पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मीकांत का मैंने कोई चैप्टर रात में पढ़ा है, अब मैं बैठा हुआ अपने ऑफिस में, मैं किसी कोई काम कर रहा हूँ लेकिन मैं दिमाग में उस चीज़ को रिकॉल कर रहा हूँ कि उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था। लेकिन हाँ, मेरे पास किताब नहीं है, मैं कितना भी मजबूर हो जाऊँ लेकिन किताब को नहीं पलट सकता हूँ, तो मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करता रहता था। उस 8 घंटे में से मैं 3-4 घंटे ब्रेन स्टॉर्मिंग करता था कि उसके बाद क्या था, ओके उसमें क्या लिखा हुआ था, फिर मैं जो भी मुझे याद आ रहा था मैं एक पेपर पर लिखता रहता था कि ओके ये था ये था ये था, फिर और दिमाग पे जितना भी जोर डालता था। और ये क्या हुआ है, ये मेडिकली प्रूव्ड है कि आप किसी भी चीज़ को रिकॉल करते हैं तो हमारे जो दिमाग में कोई भी चीज़ मेमोरी कैसे बनती है, अगर नहीं आपको पता है तो आप यूट्यूब में या गूगल में सर्च कीजिएगा, न्यूरॉन्स होते हैं वो जब रीएक्टिवेटेड होते हैं, रीएक्टिवेटेड मतलब उसको बार बार आप जब रिकॉल करिएगा तो वो क्या होता है, रीएक्टिवेटेड होते हैं और वही आपकी मेमोरी बनती है। तो मैं क्या करता था, अगले दिन अपने ऑफिस में उस चीज़ों को याद करता था कि रात को मैंने क्या पढ़ा था, और उसके कारण क्या होता था कि वो भी जो न्यूरॉन्स है, ये मुझे टेक्निकली नहीं पता था, ये चीज़ मुझे बाद में पता चला कि ऐसा हुआ। तो अगर आपको मैं ये बता रहा हूँ तो आप ज़रूर ऐसा कीजिए, रात में आप जो भी पढ़ते हैं अगले दिन ऑफिस में जाके उसको आप रिकॉल कीजिए, जितना भी हो सके रिकॉल कीजिए, दिमाग पर जोर डालिए। लोग बोलते थे क्यों ये परेशान परेशान सा रहता है, कुछ सोचता रहता है, लेकिन मैं अपने बैक ऑफ द माइंड उस चीज़ को रिकॉल करता था कि ठीक है उसके बाद उस आर्टिकल में और क्या क्या बोला गया है, अगर मैं हिस्ट्री पढ़ के आया हूँ तो मैं हिस्ट्री का उस चीज़ को और रिकॉल करता था कि उस चलो के 1857 के क्या क्या वो थे कंसिक्वेंस थे और क्या क्या वो थे, किस कारण से हुआ ये विद्रोह हुआ था, उस चीज़ को रिकॉल कर रहा हूँ, दिमाग पे जोर डाल रहा हूँ, और जो भी याद आ रहा है उसको पेपर पे नोट डाउन करता जा रहा हूँ ऐसे रैंडमली हैफजर्ट तरीके से, ओके ये था वो था। अब मैं शाम को घर गया, एक मेरे पास क्यूरियोसिटी भी है, घर पहुँचते मुझे चेक करना है कि मैं क्या क्या भूला हूँ, कुछ चीज़ें आप भूल जाते हैं, क्या क्या भूला हूँ। मैं जाते तुरंत पेज पलट के मैंने देखा कि ओहो ये ऐसा था ऐसा था, अब वो मेरे दिमाग में परमानेंट हो गया। तो आप इस चीज़ को करके देखिए, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस था, दूसरा जो मैं बताता हूँ कि आप का ये जो 3-4 घंटे आपने किया उसको मान के चलिए आपने 1 घंटा का एक्टिव पढ़ाई, जैसे 1 घंटे का एक्टिव पढ़ाई नहीं, ये बहुत ही यूजफुल है। जो लोग जॉब में नहीं है वो भी इस चीज़ को करें, मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। मेरा जो भी सिलेक्शन हुआ ये इसी कारण से हुआ, क्योंकि मैं उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा रिट्राइव करने की कोशिश करता था दिन में, और जो वो मेरे परमानेंट हो गया। जब मैं मेंस कैंसर लिख रहा था तो मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा था कि कुछ बैकग्राउंड में ब्लूप्रिंट है जिसको मैं वहाँ पे सब कुछ मेरे अपने आप इजीली रिकॉल हो रहा था, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस था रिकॉल करने का चीज़ों को। दूसरा, आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो आप अपने मोबाइल पे, हर एक ऐप है, हर न्यूज़पेपर का ऐप है, तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि समरीज भी निकालते हैं, तो आप उस ऐप और समरीज का जो न्यूज़पेपर का जो सेक्शन है जो आप घर में पढ़ते वो आप ऑफिस में मोबाइल पे इजीली पढ़ सकते हैं। और इसके बाद बेनिफिट ये है कि अगर आपको कुछ अच्छा न्यूज़ लगा तो अपने कलीग के साथ आप उसको डिस्कशन कीजिए, क्योंकि न्यूज़ पे डिस्कशन हर कोई करना चाहता है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स के किसी उस पे डिस्कशन करना चाहेंगे कि कमेटी ने क्या बोला है, तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है, सबको लगेगा पढ़ने की बातें कर रहा है। मैं क्या करता था कि जैसे कोई भी न्यूज़ चल रहा है, फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है CAA बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आप दोस्तों से बात कीजिए, उनसे आपको बहुत सारे ऐसे फीडबैक मिलते हैं, कभी कभी हो सकता है कि बहुत सारा वेस्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे आपका जो टाइम है ऑफिस में, ये मैं बता रहा हूँ लंच के टाइम पे, टी के टाइम पे, या फिर आप कहीं जा रहे हैं या फिर कोई बात चल रहा है, तो उस दौरान आप इजीली कर सकते हैं। तो वो कुछ कभी कभी 99% उसमें से जो उनका फीडबैक आएगा वो गार्बेज ही होगा, लेकिन वो 1% कभी कभी ऐसा फीडबैक आता है जो कि आपके दिमाग में रह जाता है, और जो आप आंसर लिख रहे होते हैं या फिर PT में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये भी जो ऑफिस में ये जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला था कि लेकिन मैं उनसे ऐसी बातें करता था और उनसे फीडबैक आते थे, और जो डिस्कशन जो आप हंसी मजाक में डिस्कशन करते हैं ना वो आपके दिमाग में बहुत दिनों तक रह जाता है। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ।
और अक्सर क्या होता है ना कि जब आपका समय कम होता है तो आप जो काम करते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमली करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जिस दिन मुझे ऑफिस जाना होता है उस दिन मैं 8 बजे या 9 बजे तक नहा के पूजा पाठ करके तैयार हो जाता हूँ, लेकिन जिस दिन संडे होता है छुट्टी वाला दिन उस दिन मुझे उतना ही काम करने में 12 या 1 बज जाता है। या आपके साथ भी होता होगा, अगर आपका समय ज़्यादा है तो आप उसी काम को बहुत ज़्यादा आराम से करते हैं और ज़्यादा समय लेते हैं और उस काम की इफ़िशेंसी भी ख़राब होती है उस दिन। मैं ऐसा नहीं है कि समय ज़्यादा तो आप काम को अच्छे से करते हैं, तो मेरे आपके साथ अगर समय कम है तो आप जो 6 घंटा या 5 घंटा रात में पढ़ते हैं वो आप इतना ऑप्टिमली पढ़िएगा कि आपका जो जो 10 घंटे लोग पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा आउटपुट मिलता है उसका, क्योंकि आपको पता है आपके पास टाइम कम है, आप उसको टाइम का रेस्पेक्ट करते हैं और जब भी आप किसी चीज़ का रेस्पेक्ट करते हैं तो उसका आउटपुट ज़्यादा आता है। तो ये 2-3 चीज़ें हो गई। फिर कुछ ऐप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो काउंट डाउन टाइमर आता है, प्ले स्टोर में जाकर डालिए, काउंट डाउन टाइमर विजिट्स करके आता है। वो आपके होम स्क्रीन पर लिखा रहेगा कि आपका जो एग्ज़ाम का डेट आप डाल दीजिए, आज से उस एग्ज़ाम के डेट में इतने दिन इतने घंटे बचे हुए हैं, और वो एग्ज़ाम का नाम भी लिख के आता है, तो वो आपको हमेशा एक्टिव रखता है। सेकेंड चीज़ मैंने ये किया था, आप भी ये ज़रूर कीजिएगा, कि आप हर एक घंटे का अलार्म लगाइए, जितने देर आप ऑफिस में हैं घर में हैं जिस समय सुबह सो के उठ रहे हैं और रात को सोने जा रहे हैं उसके बीच में हर एक घंटे का, 9 बजे का, 10 बजे का, 11 बजे का, 12 बजे का, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके रात को जब तक सोने जा रहे हैं तब तक। और उस अलार्म में एक ऑप्शन होता है कोटेशन लिखने का, उसमें आप लिखिए अपने एग्ज़ाम का नाम। ये आपको हमेशा एक्टिव रखेगा, जब भी आप डाइवर्ट होइएगा, आप किसी काम कर लगे, हमेशा मेरा हमारा आप इंसान ही हैं, गलत कभी कभी क्या होता है हम डाइवर्ट हो जाते हैं या कभी बात में लग गए या फिर कुछ अच्छा मूवी आ रहा है उसको देखने लगे, लेकिन आपका जब अलार्म बजेगा तो आपको लगेगा अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप आज से ही हर एक घंटे का अलार्म लगाइए। अलार्म का जो टोन होना चाहिए बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको शो ऑफ नहीं करना है, आपको खुद के लिए लगाना है। एक छोटा सा बीप जैसा होना चाहिए ट्वीट ट्वीट करके, जो आपको बस जगा कर रखे। जो सोते हुए तो सब जगते हैं, लेकिन जगते हुए भी कभी कभी हम लोग सो जाते हैं, तो वो हमें जगा के रखे कि नहीं हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ऑफिस में भी जब बजेगा अलार्म तो लगेगा अरे हाँ यार चलो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कल रात को मैंने क्या पढ़ा था। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसको कीजिए। और मैं अगले में बताऊंगा, अगले वीडियो में कोशिश करूंगा बताने की कि कैसे आपको जो पढ़ाई करना है उसको कैसे पॉइंट करना है, क्योंकि आपको स्कॉलर नहीं बनना है। आपको क्या है कि आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में 300-400 वर्ड लिखना है, अगर आप PCS दे रहे हैं, IAS लिख रहे हैं 250-300 वर्ड लिखना है, तो वो उतना कंटेंट आपको 400 वर्ड के लायक मटेरियल कंटेंट कहाँ से मिलेगा, आपको उसमें क्या लिखना है, प्रो कॉन्स लिखना है। तो अगर आप जितने भी टॉपिक चल रहे हैं अभी करंट अफेयर में लास्ट 2 साल में आपका सबका अगर आपने 10-10 प्रो कॉन्स लिख के तैयार रखा हुआ तो आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ रिसर्च करने की। तो इन सब चीज़ों पर मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। चलिए, ओके, बाय।